हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2, जो कि मेनली मोड से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज हम देखेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है, ऐसा कुछ डेटा गिवन है एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज का। ठीक है, टोटल 200 फैमिलीज है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर भी पता करना, साथ में इसका मीन भी हमें पता करना। तो मोड और मीन दोनों हमें पता करने इस क्वेश्चन के, तो दोनों पता करेंगे इसमें। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये क्लासेज है, ये इधर फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले मोड पता करते हैं। देखो मोड बड़ा आसान होता है, मोड का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मोड पता करने से पहले एक होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, डेटा को देख के आप बता सकते हो। ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इन सब के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है यही क्या होती है, अपनी मॉडल क्लास होती है। ठीक है, ये 1500 से लेके 2000 तक, 1500 टू 2000। ठीक है, ये वाली क्लास मॉडल क्लास है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला एल, एल है लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर, 1500, तो 1500 प्लस एफ वन। देखो भाई ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम क्या होता है, ये है एफ वन, इससे पहले वाला है एफ जीरो, इसके बाद वाला है एफ टू। तो एफ वन कितना हो गया, 40 माइनस एफ जीरो, जस्ट पिछले वाला कितना, 24 अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन, तो ट्वाइस ऑफ 40, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 हो गया। माइनस एफ जीरो और एफ टू, ये दोनों माइनस करने हैं। एफ जीरो कितो कितना अपना 24 और एफ टू कितना है 33, तो ये दोनों माइनस करने हैं। तो 24 माइनस 33, फिर मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर एक के अंदर 500 500 500 500 नंबर जुड़ रहे हैं, तो क्लास साइज कितना हो गया यहाँ पे, 500। ठीक है, इस नंबर को, इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते करते अपना आंसर आ जाएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24, ये कितना बचा ऊपर, 16 अपॉन नीचे 80 में से 24 और 33 माइनस कर देंगे, 80 में से हम ये दोनों नंबर माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेशन के लिए अलग से कर लेते हैं। देखो ये दोनों नंबर मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 33 57, इन दोनों को 80 में से माइनस कर देते हैं एक साथ, तो कितना बचा, 73 बच गया, 6 और 1 यहाँ पे 7 माइनस 23 बच गया यहाँ पर। ठीक है, 23, तो नीचे बचा 23 मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितना है, 500। इसको सोल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर है 1500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 16 फाइव जा कितना होगा, 80, तो 80 और दो जीरो पहले से, तो 8800 हो गया डिवाइड बाय 23। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बस, है ना, 80,000 डिवाइड बाय 23, एक इसको सोल्व कर लेते हैं, 80,000 डिवाइड बाय 23। सबसे पहले 1 2 3 4 टाइम्स होगा क्या, नहीं 4 टाइम्स नहीं होगा, 3 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा, 69 माइनस किया तो कितना बच गया, 69 ये बच गया 11, फिर ये यहाँ तक तो हो गया, फिर ये वाला जीरो, ये वाला जीरो अब नीचे उतार लेंगे तो जीरो हो गया, 110 हो गया। अब 4 5 5 से नहीं होगा, 4 से काम चलेगा, 4 4 3 जा 12 का 2 आ गया, 4 2 जा 8 और 2 9 हो गया, 92 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 और 10 18, फिर ये जीरो वाला नीचे उतार देंगे तो 180 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर 18 है तो 9 से करेंगे नहीं, 8 से चल जाएगा, 8 3 जा 8 2 जा 8 3 जा कितना होता है, 24, तो वो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा यार, 8 भी यहाँ पर 7 से करना पड़ेगा, तो 7 3 जा 21 बच गया 2, 7 2 जा कितना हो गया, 16 ये हो गया, इसको माइनस किया ये है 16 6 सही है, माइनस किया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 9 और 19 बच गया। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे पॉइंट लगा दिया
और पॉइंट लगाए तो ये कितना हो गया, 190 हो गया। अभी तो हम इसको 8 से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 347.8 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1500 प्लस, इसको सोल्व किया तो कितना आया, 347.8। पॉइंट के एक डिजिट तक या दो डिजिट तक निकाल लो, तो इन दोनों को सम किया तो कितना हो गया, ये 1847.8 ये आ गया इस पूरे डेटा का मोड। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका मोड के बाद में पता करते हैं, यहाँ पर मीन पता कर लेते हैं इसका, ठीक है। मोड का तो इतना हो गया, अब मीन की तरफ बढ़ते हैं। तो मीन यहाँ पे ध्यान से देखना कितना बड़ा डेटा है, यहाँ पे हज़ारों में है डेटा और ये भी दो दो डिजिट का डेटा। तो सबसे बढ़िया मेथड इसमें रहेगी लास्ट वाली मेथड, स्टेप डेविएशन। जब डेटा बहुत बड़ा हो तो स्टेप डेविएशन हमें मेथड लगाना चाहिए। तो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन उस तरीके से मीन, मतलब एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। एच जनरली हम क्लास साइज लेते हैं, और यहाँ पर ये जो यू आई है, ये यू आई कितना होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच, ये यहाँ पर यू आई होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स आई तो पता करना पड़ेगा, क्लास मार्क। तो यहाँ पे एक एक्स आई का मैंने फोल्डर बना लिया जो कि क्या है, क्लास मार्क। तो फोल्डर बनाए तो एक कॉलम बना लिया, मतलब 1000 और 1500, तो 1000 प्लस 1500 कितना हो गया, 2500 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, 1250 हो जाएगा, 1250। फिर इनका क्लास मार्क 1750, ठीक है। आप देखो ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने कवर की है। फिर इसके इन दोनों का क्लास मार्क कितना आएगा, 2250, फिर 2750, फिर 3250, फिर 3750, आपको पैटर्न तो मिल ही गया होगा यहाँ पर। फिर 4250 और 4750। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि अब देखो यहाँ पर ए वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड में ए का फंडा होता है, ए होता है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए की वैल्यू अज्यूम्ड मीन, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं, क्लास मार्क्स में से कोई बीच की वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे देखो, ये चार तो ये हो गए, चार ये हो गए, तो इस बार आगे वाले अज्यूम करने का मन नहीं कर रहा, इधर में से कर रहा है क्योंकि इधर की साइड ये नंबर बड़े हैं ना, तो इसको मैं ए मान के चलूंगा, ठीक है। जिधर बड़े नंबर है थोड़ा सा उधर चले जाएंगे, लेकिन एकदम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, पूरा वहीं तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, उनके आसपास। तो ये ए मान लिया, अब बारी है यू आई पता करने की। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखा हुआ है यू आई का फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए, ए कितना है, ए यहाँ पे मैंने कितना माना, 2750, तो ए लिख देता हूँ, डिवाइड बाई एच, एच यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, एच कितना है यहाँ पे, क्लास साइज देख सकते हो सबके अंदर 500-500 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे नीचे एच की जगह 500 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ये नंबर उठाओ 2750 वहाँ पुट करो, तो 2750 माइनस ए, ये भी 2750 ही है, तो सेम माइनस सेम कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो पॉइंट समथिंग, हमेशा जीरो। इससे पहले जाओगे तो इधर माइनस वन आएगा, इधर माइनस टू आएगा, इधर माइनस थ्री आएगा, इधर की साइड जाओगे तो 1 2 3 4 आएगा। देखो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगाने का, आप अपने आप आगे के आगे चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, 2250 यहाँ पर पुट करोगे तो 2250 माइनस 2750, तो ये माइनस का 500 बचेगा, नीचे भी 500 है, तो 500 से 500 कट गया, कितना बच गया, माइनस का एक बच गया। ऐसे 1000 के नीचे 500 आएगा तो माइनस का 2, माइनस के 1500 के नीचे आएगा 500 तो माइनस का 3, और ऐसे ही पॉजिटिव में बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे और क्या चीज़ चाहिए, में समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई तो चाहिए ना पहले, तो अब अगला फोल्डर है एफ आई यू आई का। अगला कॉलम ये एफ वाला है, ये यू वाला है, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 24 3 जा माइनस का 72, सॉरी 40 माइनस 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 80, फिर 33 माइनस 1 जा कितना हो जाएगा, माइनस 33, और 28 0 0, 31
तो 30 बच गया, 22 इंटू टू 44, फिर 16 इंटू थ्री 48, फिर 7 इंटू फोर 28, ठीक है। अब बस इन सब नंबर्स का हमें एडिशन करना है। एक काम करता हूँ, कन्फ्यूजन अगर होता है तो कन्फ्यूजन से देखो कैसे बचें, नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर लो, पॉजिटिव वालों को अलग ऐड कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर कट रहा है तो पहले उसको काट दो। तो अभी हम करेंगे नेगेटिव वालों को अलग ऐड कर लो, पॉजिटिव वालों को अलग, जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो क्या है, 72, 80, 2 और 3, ये कितना हो गया 5, मैं माइनस वालों को कर रहा हूँ, 7, 8, 15, 15 और 3 18 हो गया, माइनस का 185 आ गया इन दोनों को मिला के, तीनों को मिलाकर। उसके बाद में 0, 4, 8, 8, तो 8 और 8 16 और 4 20 का 0 बच गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ये आ गया 160, ठीक है, ये आया प्लस का। अब ये दोनों तो मिलेंगे मिलेंगे, तो कितना बचेगा माइनस करके देख लो, 5 हो गया, और ठीक है बड़े में से छोटा ही करेंगे वैसे तो समझने के लिए, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन साइन इसका क्या लगाएंगे, प्लस का या माइनस का, जो जो बड़ा वाला है जो 185 इसका साइन क्या माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ गया 25। तो कुल मिला के जितना भी कटना था सब कट कर ये बच गया कितना, समेसन एफ आई यू आई कितना बच गया, ये माइनस का 25। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले में नीचे समेसन एफ आई भी पूछा गया है, तो समेसन एफ आई यहाँ पर सबका सम होगा, तो वो तो चलो दे रखा है समेसन एफ आई, जितनी भी फैमिलीज है ना उनकी पॉपुलेशन क्वेश्चन में भी दे रखी है 200, तो आप इनको कैलकुलेट करोगे वो भी कितना आएगा 200, ठीक है। तो अभी हम इस डायरेक्ट यूज करेंगे उस चीज़ को, पुट कर देते सारा, एक्स बार इक्वल टू ए, ए कितना है अज्यूम्ड मीन कितना बना था 2750, ठीक है, प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई का समेसन कितना है माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ आई, एफ आई का समेसन कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एच की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पे, एच की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 500, ठीक है, ये वाली लेंगे हम 500, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 20 से 20 तो कट गया और कुछ आराम से बच गया यहाँ पर, x बार माइनस 2 इक्वल टू 2750 माइनस 25 फाइव जा 125 डिवाइड बाई 2, तो x बार इक्वल टू इसको सोल्व कर लेंगे 2750 माइनस 125 का हाफ, 125 का हाफ कितना होगा 6, फिर 2.5, 62.5 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो x बार इक्वल टू इसमें से 62.5 माइनस करेंगे, तो थोड़ा केयरफुली करना माइनस का, 2750 62.5.0 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पर 5, 9 का कितना हो गया, फिर 7 हो गया, फिर यहाँ पे 6 का 5 का कितना हो गया 4, तो 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8, ये कितना हो गया 6 और 2, तो बचा 2687.5। अब तो ध्यान से देख लीजिए आप, मोड तो आसान था, फॉर्मूला लगाते ही खत्म हो जाता है ये, तो मोड ये आया, मीन ये आया, ठीक है, काफी दूर दूर है दोनों के दोनों, लेकिन क्या हुआ ये यही रहेंगे इसके आंसर्स, ठीक है, हम बदल नहीं सकते, दूर दूर है तो दूर दूर रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो डेटा तो मैंने लिख रखा है, इसके अंदर बोला क्या एक बार ये देख लेते हैं, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो, देखिए टीचर स्टूडेंट रेशियो है 15 से 20, 20 से 25 ये सब, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स है इतने स्टेट्स इसमें, ये वाला मतलब कॉम्पोजिशन है, फाइंड दी मोड एंड मीन दोनों हमें पता करने, इंटरप्रेट दी टू मेजर्स, इन दोनों की फिर इंटरप्रेट भी करना है कि किसका क्या मतलब है, मोड और मीन दोनों पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो पता करते हैं सबसे पहले, सॉरी यहाँ से अलग अलग कर लेते, सबसे पहले मोड, मोड निकालना तो हमें मॉडल क्लास पता होनी चाहिए, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास यहाँ पर कौन सी, देखो सबसे हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये 10 सबसे हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो इस फ्रिक्वेंसी के साथ में क्लास कौन सी, 30 से 35 वाली, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी 30 to 35, ये हमने मॉडल क्लास पता कर ली जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो अब
मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। एल एल होता है लोअर लिमिट, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 30, तो यहाँ पे 30 आ गया। प्लस एफ वन, एफ वन कितना है? देखो एफ वन ये जो है ये एफ वन के नाम से जाना जाएगा, ये एफ जीरो के नाम से, और इसके बाद वाला एफ टू के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके अराउंड तीनों हम लगातार लेते हैं, तो एफ वन कितना हो गया 10, तो यहाँ पर आ गया 10 माइनस एफ जीरो कितना है, यहाँ पर एफ जीरो कितना है 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन, तो ट्वाइस ऑफ एफ वन मतलब ट्वाइस ऑफ 10 कितना आ गया 20 माइनस एफ नोट एफ जीरो, एफ जीरो कितना 9 माइनस एफ टू, एफ टू कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 हो रहा है, तो यहाँ पर क्लास साइज क्या चल रही है, यहाँ पर 5 चल रही है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एच की वैल्यू 5। इसको बस सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया, खत्म हो गया ये मोड, तो मोड का तो खत्म हो गया। तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1 अपॉन 20 माइनस 9 ये कितना हो गया 12, तो 20 में से 12 माइनस होगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सोल्व कर लेते हैं, 30 प्लस ये 8 5 को कट करेगा तो 0.5 है, तो 50 हो गया, पॉइंट लगाते हैं 50, तो 6 टाइम्स। ठीक है, डिवाइड आप ऐसे पूरा तरीके से कर सकते हो 5 को, ठीक है, 5 को 8 से डिवाइड करके, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने आप हो ही जा रहा वो, तो 0 पॉइंट लगाए तो ये 50 हो गया, तो 48 6 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया 2 बच गया, पॉइंट लगा हुए तो 0 अपने आप लग जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 16 माइनस कितना बचा यहाँ पे 4, पॉइंट लगाए लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो 40 हो जाएगा, 5 टाइम्स करेंगे तो 40 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, तो 0.625 बच गया, 0.6 ये देखिए 0.625, तो कितना हो गया ओवरऑल 30.625 इसका आ गया मोड। अब इसकी मीन निकालने की तैयारी करते हैं। मीन देखो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। डेटा कैसा लग रहा है आपको? डेटा तो छोटा ही लग रहा है मेरे को, है ना, तो मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा इस बार। तो यहाँ पे क्लास मार्क तो पता करना पड़ेगा एक्स आई, तो एक्स आई क्लास मार्क पता करते हैं। 15 यार ये तो ना पॉइंट के अंदर जाएगा, थोड़ा लेंथी सा बनेगा, कर ले क्या इसको डायरेक्ट उससे करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यार पॉइंट में जाएगा ना ये 15 और 20, इनके बीचों बीच इनका क्लास मार्क कितना आएगा, आएगा 17.5, फिर उसके बाद में इन दोनों का कितना आएगा ये आएगा अपना 22.5। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये वाले नंबर इनसे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पहले इतने तीन तीन डिजिट के नंबर ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसके बजाय मैं चाहूँगा कि इसको डायरेक्ट मेथड से ना करके इससे अगले वाली मेथड कौन सी, अज्यूम्ड मीन मेथड से करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो उस तक नहीं जाना जो कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन तक नहीं जाना इसके अंदर। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड से काम चल जाएगा। तो 22.5 अगला कितना आ जाएगा 27.5 इसका, अब इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा 32.5, फिर 35 से 40 वाले का 37.5, देन अगले वाले का 42.5, इसका 47.5 और 52.5, ये आ गया एक्स आई। अगर हमें वो अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर किसी को हमें ए मानना पड़ेगा, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको अज्यूम्ड मीन मैंने अज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है यहाँ पर डी आई। तो एक्स आई माइनस ए, देखो ये पहला एक्स आई है, ये एक्स वन है, उसमें से ए को माइनस करेंगे, या फिर यहीं से स्टार्ट कर लो, इसको इसी में से माइनस किया तो जीरो, फिर उस नंबर को इसमें से सॉरी उस 27.5 में से इस नंबर को माइनस किया तो माइनस 5 बचेगा, फिर उस नंबर में से इसको माइनस किया तो माइनस का 10, फिर माइनस का 15। आगे की तरफ जाएंगे तो ये नंबर जो पीछे मिले वो आगे की तरफ सेम पैटर्न में पॉजिटिवली मिलेंगे, तो 5, 10, 15 और 20 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, डी आई की वैल्यू ऐसे पैटर्न में मिल जाती है एकदम सिमेट्रिक। अब देखो भाई फॉर्मूले के लिए जो फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड वाला
assumed mean method, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x बार इक्वल टू जो मीन होता है वो ये होता है a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो हमें एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट चाहिए होगा। देखो एफ आई तो ये रहा और डी आई ये रहा, हमें इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखना पड़ेगा एफ आई डी आई। तो 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 8 इंटू माइनस 10 माइनस का 80, 9 इंटू माइनस 5 माइनस का 45, फिर 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और दिस इंटू 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 15 0, फिर 2 इंटू 20 40 हो गया। अब इन सब का यहाँ पे समेशन है एफ आई डी आई का, तो इस एफ आई डी आई वाले का समेशन करना पड़ेगा, समेशन एफ आई डी आई, एक तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। नीचे समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई मतलब इस एफ आई वाले फोल्डर का समेशन, समेशन एफ आई इक्वल टू एक इनका सम हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो फिर चलो अब डायरेक्ट खुद को ही करना पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, 15 और 40 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 55, ये 55 जब माइनस 45 से मिलने जाएंगे तो माइनस 45 और 55 कितना बचेगा 10 बच जाएगा पॉजिटिव, वो 10 जब 80 से मिलेगा पॉजिटिव तो माइनस 70 बच जाएगा। तो फाइनली ये बचा माइनस का 45 और माइनस का 70, दोनों मिल जाएंगे तो माइनस कितने बन जाएंगे 5 और 11, ठीक है 115, माइनस का 115 यहाँ पर लिख देंगे। तो कुल मिला के इतना ही बचेगा। आप चाहो तो एक और तरीका लगा सकते हो, नेगेटिव वालों को इकट्ठा कर लो पॉजिटिव वालों को इकट्ठा कर लो फिर दोनों को माइनस कर देना तो 115 ही बचेगा। उसके बाद इन सब का सम कर लेते हैं, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 हो गया। यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया 35। सारी चीज़ें उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x बार इक्वल टू a, a कितना है अज्यूम्ड मीन, ये रहा अज्यूम्ड मीन 32.5, तो 32.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई, ये कितना है माइनस 115 डिवाइड बाई ये अपना ये एफ समेशन, नीचे देखो समेशन एफ आई चाहिए होगा वो ये अभी यहाँ पे निकाल लिया कितना 35, ये 35 आ गया। इसको कट कर लेते हैं, 5 इसको कट करेगा तो 7 टाइम्स 5 इसको कट करेगा तो माइनस समेत कट कर लेते हैं, तो माइनस का 5 से कट किया तो कितना बच गया 23, ठीक है हाँ यही बचेगा। तो 32.5 माइनस 23 बाय 7, 23 बाय नीचे कितना बचा 7 बच गया। इसको थोड़ा यहीं पर और सोल्व कर लेते हैं, इसको 32.5 माइनस 23, इसको 23 को 7 डिवाइड करेगा तो 7 थ्री जा 21, तो 2 बच गया, 2 तो छोटा हो गया तो पॉइंट लगा दिया, 2 का क्या हो गया 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा आएगा 14, तो 20 माइनस 14 6 बच गया, तो अब फाइनली 8 टाइम्स और हो जाएगा, ठीक है ऐसे 2 डिजिट तक काफ़ी है। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करके देख लो आप अलग से 32.50 में से, ठीक है यहाँ पे चाहो तो 0 लगा लो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है पॉइंट के बाद, एक नंबर ख़त्म होने के बाद में कितने 0 लगाओ, और दूसरा कितना 3.28, तो 3.28 आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस 15 में से एक, इस 5 में से एक 1 इसको मिल जाएगा, 10 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, और यहाँ पे 4 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ओके। फिर पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया 32, 32 में से 3 गया तो कितना बच गया 29, तो ये बचा 29.22, ये इसका मीन आ गया। तो देखो भाई ये तो मोड है और ये मीन है।